आपके पिता कहते थे ना बिचौलियों से छुटकारा दिलाओ, अब आप कहते हैं महेंद्र सिंह, मतलब महेंद्र बाबा टिकैत की बात तो 1988 था जब उन्होंने बोट लेक से कहा था कि पहली लाठी मैं खाऊंगा, और जब आंदोलन हुआ सर तो आगे पूरे दिन दिखे ही नहीं टिकैत साहब, और आप बनना चाहते हो बाबा टिकैत, कैसे होगा? आंदोलन हुआ हम नहीं दिखे, मतलब उस दिन जब लाल किले पर सब भाग रहे थे तो कहीं पर दिल्ली में आप कहीं नहीं दिखे, आप कह रहे थे रूट पे आप चले, बाकी लोग कौन थे? कुछ तो आपको समझ में आया होगा, आप लगातार इस आंदोलन को लीड कर रहे हो, कौन लोग थे सर? आप दिखाओगे जो हमको रूट दिए पुलिस ने, पहले तो जो हमने रूट मांगे वो नहीं दिए, हमने एक सहमति संगठन की बन गई और हमने वो मान लिया और उसी रूट पे फिर बैरिकेडिंग करी और दिल्ली के रास्ते खाली छोड़ दे गए कि दिल्ली में जाए किसान, उनको तो दिल्ली के चक्रों में फंसा गया, 3 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर थे, 25 लाख आदमी थे और दिल्ली में गए और 5 और 6 बजे तक हम सब लोग वापसी आगे निकल गए। हमारा कोई लाल किले पे, कोई लाल किले पे कानून बने हमारा क्या मतलब? लाल किले में घुसने की क्या जरूरत थी? हजारों की तादाद में जो लोग घुसे कौन थे? अच्छा पुलिस लेकर जाएगी लाल किले का रास्ता बताएगी? पुलिस लेकर गई थी और पुलिस वाले जो नीचे कूदे वो कौन, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप तो खुद ही पुलिस में रहे टिकैत साहब, जिम्मेदारी है कि यहाँ पे आपस में ये टकरा हुए, लाल किले से कोई रास्ते तय होते हैं, बिल बनता है, ये पार्लियामेंट पे गए थे, पार्लियामेंट पे जाते, अगर हमको जाना होता तो पार्लियामेंट पे जाते, हम तो वहाँ पे ताकत दिखाना चाहते थे ना, ताकत कोई दिखाना, हम तो दिल्ली की सड़कों पे। सबक क्या सीखा आपने लाल किले वाली घटना से, क्या सबक मिला आप लोगों को? हमें क्या मिला लाल किले वाले पे, क्या हुआ लाल किले? उस दिन तो पूरे देश में एक तरह से आक्रोश था, तिरंगे को दिखा के, अरे ये देश के व्यापारी की चाहते हैं ना तिरंगे से वो है, हाँ। प्रेम ना इनको देश से है, किसी से प्रेम नहीं है इनको। अच्छा, तिरंगे एक, बात से, एक लाख से ज्यादा तिरंगा, हाँ। था, हाँ। अगर उस पर तो पुष्प वर्षा करनी चाहिए। अरे मैं तो खुद ही थी, गाजीपुर बॉर्डर पर थी मैं, आईटीओ पर थी, उधर भी थी, इससे बड़ी तिरंगा यात्रा हो सकती है? लेकिन उपद्रवियों ने तो आपके आंदोलन को परेशान किया ना, और उस दिन आप लोग कहाँ थे, ये सवाल लगातार कायम था कि टिकैत साहब कहाँ है, आप लोगों ने क्यों नहीं रोकने की कोशिश की? हमने आप लोगों ने भी छोड़ दिया कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, हमने बीच में भी हम गए और लोगों को वहाँ से जो लोग रिंग रोड पर चले गए थे उनको कहा कि वजीराबाद पुल से आप उधर से निकल जाओ, ये हमने कहा उनके सब लोगों को, और वहाँ पे जो पुलिस के कॉन्स्टेबल और जो लोग लगे हुए थे, जो ट्रैफिक पुलिस के लोग थे, उन्होंने बहुत मदद वहाँ पे करी है, जो रिंग रोड पर लोग थे उन्होंने उनका रास्ता वजीराबाद पुल का बताया है। ठीक है साहब, एक और सवाल महत्वपूर्ण है, देखिए एक तो आप लोग सरकार से बातचीत करना चाहते हैं लेकिन सरकार को लेकर आपके भीतर भरोसा भी नहीं है, आप लोग बार बार ये कहते हैं कि सरकार की ओर से ही उस दिन छूट दे दी गई जिसके बाद लाल किले पर उस तरह की घटना घटी, वहीं दूसरी तरफ आप लोग सरकार को ही बार बार ये कह रहे हैं कि बातचीत के लिए ऑफर नहीं दिया जा रहा है। बात हो रहा, हम विपक्ष करें किसी से? हाँ भाई, बात तो सरकार से ही करनी पड़ेगी, किससे करेंगे बात? भरोसा तो आप लोगों को बताना पड़ेगा ना, हम तो भरोसा तो करी रहे, बिना भरोसे के यहाँ पर आ रहे, तो 11 बार दौर करी सरकार से तो बात करी, किसी विपक्ष से थोड़ा बात करी, तो अब उन लोगों ने भी तो छोड़ दिया है ना, फिर कैसे बनेगी बात है? और छोड़ दें तो हम क्या कहीं जान लग रहे हैं, तो आप यहीं पर बैठेंगे? और कहाँ जाएंगे आप कह रहे हैं?